बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 मैं आपको करवा रही हूँ। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द लाइन्स थ्रो दिस एंड दिस। अब आपके पास एक लाइन है, ये उसके आपके पास पॉइंट्स हैं, इस पैरेलल टू द लाइन, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के पॉइंट्स के, ठीक है। 2, 1 एंड 0, y, फाइंड y। अब आपने y मालूम करना है, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे। लेकिन कंडीशन आपको दे दी गई है कि भाई दोनों जो लाइन्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ये हिंट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं लेट एम वन इज द स्लोप ऑफ लाइन एल वन एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ लाइन एल टू। नाउ फाइंड एम वन एंड एम टू। एम वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। हेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। एक्स वन वाई वन है 6, -4 और एक्स टू वाई टू है -3, 2। तो एम वन इज इक्वल्स टू वाई टू 2, -4, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, फॉर्मूले का माइनस दरमियान का और ये माइनस का, ठीक है, हो गया प्लस। इसी तरह x2 -3 माइनस एक्स वन है -3, -6, तो ये आ गया 4 + 2, 6 और 3 माइनस का माइनस का 6 - 9, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो एम वन आ गया आपके पास 2 upon -3। नाउ फाइंड एम टू। एम टू इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। हेयर एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। एक्स वन वाई वन को हम ले लेते हैं 2, 1 और एक्स टू वाई टू को हम ले लेते हैं 0, y। एम टू इज इक्वल्स टू वाई टू वाई है माइनस वाई वन है 1। इसी तरह एक्स टू है 0 - x1 = 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y - 1 एज इट इज अपॉन -2। ये आ गया एम टू। अब एम वन भी आ गया है, एम टू भी आ गया। आपको कंडीशन क्या गिवन है कि लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है। हम कह रहे हैं यहाँ पर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। यानी एम वन बराबर आना चाहिए एम टू के, बराबर है क्योंकि पैरेलल कंडीशन में गिवन है। तो एम वन है -2/3 इज इक्वल्स टू एम टू है y - 1/-2, ठीक है। अब ये माइनस का 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू y - 1। माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4/3 इक्वल्स टू y - 1। माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 3 LCM आ गया 4 एज इट इज़, क्योंकि इसके नीचे 3 मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद नहीं है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 1 = 3, 4 + 3 = 7/3। तो y आ गया है आपके पास 7/3। इस तरह से आपने कंडीशंस को जो है वो ध्यान में रखते हो कि पैरेलल की कंडीशन, अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन होती तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर होता -1 के, उससे हम फाइंड आउट करते,
ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।